अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत हैरान परेशान कर देने वाली है और ये रहेगी रियल लाइफ असैसिन्स क्रीड के बारे में। हाँ, आपको पता होगा असैसिन्स क्रीड एक गेम है जिसमें मतलब दूसरों को मारना रहता कोई वजह की वजह से। तो रियल लाइफ असैसिन्स ये क्यों करते और यूजुअली फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ हुआ जाता है ये बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग तरीके से। ये चाहे हो फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए या इनका कोई गेम हो। यहाँ पे आप वीडियो में आगे देखेंगे कि सीक्रेट सर्विस एजेंसीज कैसे बड़े बड़े लोग की हालत कर देते। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते इस वीडियो के साथ। वीडियो आके लेके जाने से पहले ये एक ज़रूरी बात आपको बोलना चाह रही है आपके फ़ायदे के लिए कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अब सैलरी गिरने वाली है, आप कुछ सामान खरीदने वाले हैं, तो डिकाजो चेकआउट करना ना भूलें। डिकाजो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है आपके पूरे ज़रूरतों के लिए। इसके ऊपर बिग बूम सेल चल रहा जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर डिस्काउंटेड ऑफर्स है, डिस्काउंटेड डील्स है और इतना सारा कैशबैक है कि आप परेशान हो जाएंगे। ये डील्स आप सुनिए डिकाजो के कैसे है। 50% ऑफ ग्रोसरी पे, 50% ऑफ होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पे, 50% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे और फैशन पे, और 80% ऑफ है होम एंड किचन अप्लायंसेस, तकरीबन 65% ऑफ है लार्ज अप्लायंसेस पे। अगर कोई इंडिया का नेक्स्ट लेवल का ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टार हो तो वो सिर्फ डिकाजो है। यहाँ पे जबरदस्त बात हम जो आपको बोलना चाह रहे हैं कि डिकाजो पे अगर आप 15,000 रुपीज की शॉपिंग कर रहे तो आपको लिटरली 9,000 रुपीज का कैशबैक आता है, वो भी एक 18 मंथ्स के ड्यूरेशन में। मतलब हर महीने आपको डिकाजो की वॉलेट में 500 रुपीज कैशबैक आता है जिससे आप फिर से शॉपिंग कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट या रियल मनी कैसा उसे यूज कर सकते। तो आज के जमाने में 15,000 की शॉपिंग करने पे 9,000 कौन दे रहा कैशबैक आपको। ड्रोन वाली डिलीवरी का योजना कर रहे, समझ रहे, पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। सबसे बेहतरीन बात, सीधा मैन्युफैक्चरर से आपके घर तक। अरे मामा मैं करे, मगर पैसे नहीं है जी। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी सैलरी नहीं गिरी शायद अभी, कई लोगों की सैलरी नहीं गिरी होंगी या ज्यादा खर्चा कर दी होंगे। तो डिकाजो में एक जबरदस्त ऑप्शन है, वो है पे लेटर ऑप्शन। यहाँ पे आप सामान खरीद सकते और बाद में पैसे पे कर सकते जब एप्लीकेशन आपको इन चीज के बारे में अपडेट कर देगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 कस्टमर्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस के फर्स्ट 100 कस्टमर्स जल्दी जाके ऑफर अपना ले। एंड गाइस, बहुत ही सिंपल है, 24/7 ऑपरेट करता है और इसका शॉपिंग का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका एप्लीकेशन भी अपडेट हुआ है जो कि नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन का हो, वेबसाइट का हो या दूसरी चीज़ों का हो। तो जल्दी जाइए, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर हम वापस चलते हैं हमारे इस ज़बरदस्त वीडियो। तो पहला वाला विक्टिम है अलेक्जेंडर लिथविनेन को, और इसका मशहूर असैसिन का मसला है वो है एक सिर्फ चाय की कप पे। ये चाय की कप बहुत ही भारी है। ये स्टोरी सुनिए आप लोग। अलेक्जेंडर लिटविनेन को एक रशियन फॉर्मर ऑफिसर था रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लिए, और ये बहुत ही एक्सपर्ट था ऑर्गेनाइज क्राइम्स को टैकल करने के लिए। ये एक फॉर्मर स्पाई भी था रशिया के लिए। ये फॉर्मर स्पाई FSB एजेंट को मारा गया 2006 में। कहा जाता है लिटविनेन को स्पैनिश और रशियन माफिया के लिंक्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और 1998 में लिटविनेन को अरेस्ट करके उसे जेल में डाला जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्लान को एक्सपोज कर देता है जिसमें एक रशियन टाइकून को मारने का प्लॉट बनाया जाता था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक खुद FSB एजेंट था, तो ये बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा और उसके ऑफिस के अगेंस्ट ठहराइए। तो यहाँ पे एक सीक्रेट सर्विस की ये प्लॉट को ओपन करा बोलकर इसे जेल में डाला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये तकरीबन 9 मंथ्स तक जेल में रहता है और बाहर आने के बाद ये बुक लिखता है और इसमें बहुत सारे रशियन के पोल खोदता है और सीक्रेट इन लोग के प्लान्स, इन लोग के प्लॉटिंग्स आगे रख देता है। इसकी किताब का नाम था ब्लोइंग अप रशिया, टेरर फ्रॉम विदिन, जिधर ये क्लेम करता है कि बहुत सारे FSB एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है धमाकों के लिए मॉस्को और दो अलग शहर में। 2000 में लिटविनेन को UK भाग जाता है और वहाँ की उसे असाइलम ग्रांट हो जाती है। ये 2006 में ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले लेता है। तो 2006 में लिटविनेन को सेंट्रल लंदन में एक कैफे पर चाय की कप पीता है उसके दो पुराने दोस्तों के साथ,
जिसका नाम है डिमिट्री और लोगोवोई। ये दो भी फॉर्मर रशियन एजेंट्स थे जो कि एफएसबी के लिए काम करते थे। तो इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है, बहुत सारे बातचीत इन लोग में एक्सचेंज होते हैं और ये डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद अलेक्जेंडर की तबीयत बहुत खराब होना शुरू होती है। ये सडनली वॉमिटिंग स्टार्ट करता है और हॉस्पिटल में तकरीबन 3 दिन तक एडमिट होता है और 6 दिन के बाद इसकी मौत हो जाती है। जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये जो कैफे में चाय पी रहा था उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन था और वो पॉइजन का नाम था पोलोनियम 210। और ये बहुत खतरनाक पॉइजन है जो कि अतराफ के शहर में एक रेडिएशन के वैसा फैल सकता था। तो जब फ्यूचर में पता चलता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो थोड़े बहुत र्यूमर्स और क्रिटिक्स ये फैलाते हैं कि जो उसके दो फॉर्मर दोस्त थे एफएसबी एजेंट्स, वो पुटिन के रिजिम के डायरेक्शन पे इसे हत्या की है क्योंकि ये कंट्री के खिलाफ कह रहा था और उनके पोल खोल रहा था। तो ये है खतरनाक असासिन की स्टोरी सिर्फ एक चाय की कप पे। सोचो, पुराने दोस्त धोखा दे रहे, अब कोई इंसान चाय नहीं पींगा होटल पे उसके दोस्त के साथ। ये हादसा सुनने के बाद तो अगले असासिनेशन पे आते हैं, जॉर्जी मार्कोफ। इनका असासिनेशन होता है अम्ब्रेला से। अब कोई बारिश में छतरी यूज नहीं करेगा। तो आगे स्टोरी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। जॉर्जी मार्कोफ एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी बल्गारिया के अगेंस्ट थे। बल्गारिया के पार्टी के खिलाफ लिखते लिखते वो ब्रिटिश भाग गए। बीबीसी और रेडियो फ्री यूरोप के जरिए ये बल्गारी पार्टी के अगेंस्ट बोलते थे। इनके स्पीचेस इतने खतरनाक थे कि बल्गारी की पार्टी डिसाइड कर ली थी कि हमेशा के लिए इनका मुंह बंद कर दिया जाए। इनके ऊपर 3 जानलेवा हमले हुए थे जिसमें से 2 नाकामयाब थे और 1 कामयाब हुआ। ये देखिए इसकी स्टोरी, जबरदस्त। 7 अक्टूबर 1978 में वाटरलू के एक बस स्टैंड पर जॉर्जी मार्कोफ खड़े हुए थे और अचानक से उनकी राइट थाई में एक बहुत बुरी तकलीफ होती है। फिर वो जब पलट कर देखते हैं तो एक आदमी उनके पैर पर अपनी अम्ब्रेला गिरा देता है। फिर वो आदमी उनसे माफी मांगकर टैक्सी लेकर चला जाता है। फिर शाम को मार्कोफ बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं जिसकी वजह होती है एब्डोमिनल पेन्स, वॉमिटिंग्स एक्सेट्रा। जब डॉक्टर्स देखते हैं कि उन पर कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो 11 सितंबर के दिन उनकी मौत हो जाती है। तो मार्कोफ के मौत के 4 महीने के बाद ये रिवील होता है कि मार्कोफ को राइसन दिया गया। राइसन एक ऐसा खतरनाक पॉइजन है जो कि कोबरा के वेनम से भी ज़्यादा इंसान को हार्म कर देता है, मतलब जल्दी इफेक्ट में आता है और जल्दी इंसान को मार देता है। तो ये राइसन किधर दिया गया? मार्कोफ के राइट थाई में दिया गया। जब आप सुने होंगे स्टोरी कि मार्कोफ के ऊपर एक गलती से अम्ब्रेला गिर गया था और वो शख्स उससे माफ़ी चाह के अम्ब्रेला लेके चले गया था, तो यही अम्ब्रेला के थ्रू मार्कोफ के राइट थाई में इंजेक्ट किया गया राइसन पॉइजन और इसके थ्रू मार्कोफ की मौत हो चुकी। तो बल्गेरिया की जो गवर्नमेंट थी ये सीक्रेट एजेंट को यूज़ करी और मार्कोफ की हत्या हो गई थी। तो ये कौन शख्स था जो अम्ब्रेला गिराया, इसके ऊपर इंजेक्ट किया और टैक्सी में बैठ के चले गया, वो आज तक किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए कोई भी देश के खिलाफ जब ठहरते ना तो देख समझ के ठहरना बोलते। तो अगला वाला मशहूर जमाल खशोगी, ये एक सऊदी जर्नलिस्ट था जिसको आखिर में सऊदी अरेबिया से निकाल दिया गया था क्योंकि सऊदी अरेबियन पॉलिसी के खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया था। जमाल खशोगी एक फॉर्मर एडिटर थे अल वतन के लिए और एडिटर इन चीफ अल अरब न्यूज चैनल के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा टिल डेट एक न्यूज चैनल सऊदी अरेबिया का है। और कहा जाता है कि इन्हें मारा गया था सऊदी गवर्नमेंट के कुछ सेलेक्टेड असासिन्स के थ्रू। सऊदी कॉन्सुलेट में जमाल खशोगी को बुलाया जाता है इस्तांबुल तुर्की में। यहाँ पे इन्हें कुछ सर्टेन मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और इन्हें एम्बुश किया जाता है, इन्हें सफोकेट किया जाता है और इनके इतने टुकड़े होते हैं कि पूछो मत। ये 15 लोगों की स्क्वाड सऊदी असासिन्स की इतनी एक्सपर्ट थी कि उनकी आवाज बाहर तक नहीं आने दी और इनके पूरे टुकड़े करके कहा जाता है कि ये फ्लैश आउट कर दिए थे, जिससे ना इनका फ्लैश रहा ना इनके बोन्स। एक्चुअल में इशू ऐसा हो गया था कि ये जब सऊदी अरेबिया के बाहर आ गए थे तो ये वाशिंगटन के लिए काम कर रहे थे और वाशिंगटन को ये सर्टेन न्यूज़ देते थे जो कि सऊदी अरेबियन पॉलिसीज के खिलाफ ठहरती थी। तो ये न्यूज़ हम नहीं बोल रहे, विकिपीडिया में भी आपको मिल जाएंगे और सर्टेन आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे तुर्किश के कुछ रिपोर्टर्स इनके बहुत सारे बातें आगे रखते हैं मगर आज भी थोड़ों को माना जाता है और थोड़ों को नहीं माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें एम्बुश करके, सफोकेट करके, उनके मतलब पीसेस करके फ्लश आउट कर देना, डिस्पोज कर देना, क्योंकि एक 15 की टीम कोई वजह से ही आती और बिना आवाज़ बाहर आए। ये भी विषय मशहूर हुआ था खिस्सा के रिकॉर्डिंग्स है तुर्किश गवर्नमेंट के पास मगर वो लोग रिलीज नहीं कर रहे, तो गॉड नोज द बेस्ट। तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और ये इसका कंप्लीट ब्लेम
मोहम्मद बिन सलमान पे डाल दिया गया क्योंकि वो है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के। तो वो दौर में ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रंप भी बहुत हंगामा किया, मतलब ट्विटर पे हंगामा हो रहा था, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स वगैरह पे, फिर ट्रंप से क्या बात हुई सऊदी ऑफिशियल्स की नहीं मालूम। ट्रंप बोला नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ये चीज़ के जिम्मेदार नहीं है। तो अल्लाह आलम, गॉड्स नोज़ द बेस्ट के जमाल खशोगी के साथ आखिर हुआ क्या था। ऐसी कुछ स्टोरी किंग फैसल के बारे में भी है, मगर हम किंग फैसल की स्टोरी इसलिए नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि हम आपके आगे लाएंगे द सेवन किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। एग्जैक्टली ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के 1924 या 1922 से जो सऊदी किंग्स आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन लोग के आने के बाद कितने चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें हुए और उन लोग को भी कैसा पावर में लाया गया और हटाया गया एक एक किंग को, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। अगले हमारे विक्टिम है लुइस केरेरो ब्लांको, जिनको मारा गया था टनल के जरिए। टनल के जरिए, अभी ये टनल के जरिए कैसा मारा गया था आगे देखिए। 1973 में सेपरेटिस्ट ग्रुप के चार कमांडोज आते हैं लुइस केरेरो ब्लांको की हत्या करने। इनके मिशन का नाम था ऑपरेशन ऑर्ग्रे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मिशन था। ये कमांडोज अपने आप को स्कल्पचर के स्टूडेंट्स बताते हुए, केरेरो ब्लांको का डेली रूट जो था वो एरिया में एक अपार्टमेंट में रेंट से रहते हैं। बेसमेंट में रेंट से रहने के बाद ये लोग कंटिन्यूसली डिगिंग करते हैं। ये चार कमांडोज इतने अनाड़ी थे कि इनको परफेक्ट डिगिंग करने भी नहीं आता था, फिर भी ये लोग डिगिंग करते करते ऐसा कि वैसा कि डिगिंग करते 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 केरेरो ब्लांको के डेली रूट तक एक टनल बनाते हैं अंडरग्राउंड। कई मुश्किलात के बाद ये टनल फाइनली कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है फाइनल डे, उसके बाद ये सोल्जर्स अपने आप को बताते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिशियन है। तो जब ये लोग टनल अंडरग्राउंड डिग करते रह रहे थे तो सीएच की बो और बहुत सारे इन लोग को हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक करते रहते हैं, मगर इनका मिशन इतना खतरनाक था कि ये लोग बहुत फोकस थे। इनकी तबीयत कितनी भी ख़राब रहने दो, ये लोग डिग करते रहते थे। बस टाइम टनल बीच में से गिर जाता था, मगर ये लोग कोई भी तरीके से प्रॉप्स यूज़ करके वो टनल को सीधा साधा रख देते थे। खोदते खोदते ये अपने टनल के फाइनल पॉइंट पर पहुँच जाते हैं और अराइव होता है डी डे, जब ये लोग ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को मारने की तैयारी करते हैं। डी डे के दिन सुबह में ये लोग सडनली स्कल्पचर के स्टूडेंट से हटके इलेक्ट्रिशियंस का डिस्गाइज लेके ठहर जाते हैं और जैसे ही ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर उस टनल के ऊपर से जाता है, खत्म, डेटोनेटर चालू और ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी उछलते हुए लिटरली 5-story बिल्डिंग के ऊपर जाती है और फ्लैट पलट के बाजू के बिल्डिंग के 2nd story के टेरेस पे गिरती है। हम लोग तो माने नहीं, मगर जब इमेजेस देखे तो लिटरली 5 story बिल्डिंग के ऊपर तक वो कार उछली, मतलब इतना खतरनाक नीचे टनल में वो लोग हाई एक्सप्लोजिव लगा के थे कोई भी हार हत्या होना। तो ये कमांडोज इतने डेडिकेटेड थे और ऐसा हैरान कर देने वाली चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को तक नहीं छोड़ो, तो पता नहीं क्या लेवल का इन लोग के पास गेम्स, प्लान्स, प्लॉटिंग चलता है ये एलिट मेंबर्स में, पता नहीं। और गारंटी 4-5-6 ऐसे जो रहते ना सीक्रेट एजेंसी सर्विसेज वाले ही लोग। तीसरा वाला है जॉर्ज जेनाश, इसकी हत्या हुई एक बेर के कॉस्ट्यूम। वो कैसे? जॉर्ज जेनाश एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल था और ये एक की रोल प्ले करता था यूरोपियन पॉलिटिक्स। जेनाश डरता नहीं था वायलेंस यूज करने के लिए और ये बहुत सारे ब्रूटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी था। 1621 में जब पॉलिटिकल डिबेट्स हुआ करते थे तो ये एक्स लेके इसके पॉलिटिकल राइवल को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था इसके खुद ओन कैसल में। और 1639 में जब ये कार्निवल सेलिब्रेट कर रहा था इसका होम टाउन में, तो एक किस्म का ग्रुप आया जो कि इसकी पार्टी को ज्वाइन करा। जैसा कि आप लोग देखते हैं हैलोवीन पार्टी रहो या कुछ पार्टीज रहते हैं जिसमें कुछ कॉस्ट्यूम्स कंपलसरी रहते हैं, ये थीम पहन के आना, पता नहीं ऐसा फॉरेन या अब्रॉड में बहुत लोग करते हैं कि कुछ भी पार्टी जब वो लोग थ्रो करते तो आज के पार्टी का थीम है कुछ भी रखते वो लोग, जैसा कार्टूनिश टाइप या बैटमैन टाइप, मतलब ऐसे ऐसे रहते सीक्रेट एजेंट्स टाइप, तो सब वैसी किस्म का तैयार होके वो पार्टी मानते हैं। तो यहाँ पे भी एक अजीब किस्म का ग्रुप ज्वाइन करता है इसकी पार्टी को। जब सब अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में आए थे और कार्निवल एंजॉय कर रहे थे तो कुछ हैरान कर देने वाली चीज हो गई थी। यहाँ पे जॉर्ज वो पार्टी में खुद का दिमाग खो लिया था और ये खुद का ख्याल ना रखा। तो जब ये पार्टी में ये लोग एंजॉय कर रहे थे तो ये जो एक अजीब सा ग्रुप आया था और इसकी पार्टी ज्वाइन करा था वो लोग बेर का कॉस्ट्यूम पहन लेके थे। तो जैसा कि एक पार्टी फ्लो में आ गई थी तो ये बेर के कॉस्ट्यूम वाले उनके हाथ में जो वेपन्स आया वो लेके इतने बुरी तरीके से इस जॉर्ज को मारे थे, उसकी कंप्लीट हत्या कर दिए और वो लोग वहाँ से भाग चुके। आज तक टिल डेट उनका कोई अता पता नहीं है, मगर एक र्यूमर है कि जॉर्ज जिसको पॉलिटिकल डिबेट में मारा था 1621 में, ये उसी का बेटा बेर कॉस्ट्यूम पहन के
उसकी गैंग के साथ आके इसे कई साल के बाद लिटरली 18 ईयर्स के बाद मारा। तो एक पुराना बतला 18 साल के बाद उसका बेटा इससे लिया और इसकी हत्या कर। तो ये है बेयर कॉस्ट्यूम वाला असासिन, खून का बदला, खून का बदला, खून वो भी 18 साल का, 18 साल का बच्चा जवान हो गया खून। ये मूवीज तक सुना करते थे और वो एक चाकू से करा, जो चाकू से इनके वालिद साहब। वाह। और गाइस होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया तो इसे क्या करें साहब भाई, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके पास अगर कोई टॉपिक है जो आप रिकमेंड करना चाह रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फेसबुक पे भी अगर आप है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर करिए, यूट्यूब के लिए भी हमारे लिए हेल्दी रहता वो। एंड गाइस लाइक करना ना भूले, एंड डिकाजो चेकआउट करना ना भूले। 15,000 रुपीज की शॉपिंग पे 9,000 का कैशबैक टिल अ ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ्स, मतलब 500 रुपीज 18 मंथ्स तक आपको वापस आएंगे, दैट विल इक्वल टू योर 9,000 रुपीज कैशबैक। बहुत सारे हंगामा डील्स, हंगामा ऑफर्स, हंगामा सेल्स है डिकाजो पे, चेकआउट करना ना भूले, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दुआ में याद रखिए, हमें फिर आएंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा।